नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंकमय शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूँ। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके भीतर हम चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन, आपका दैनिक राशिफल, कौन से सुझाव, कौन से उपाय आपके लिए लेके आया है, डेली का फोरकास्ट क्या कहता है, आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन को किस कदर प्रभावित करने वाला है, कहाँ अच्छा है, कहाँ खराब है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए कौन से उपाय आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। लकी नंबर, लकी कलर की चर्चा भी हम अक्सर की हमेशा की तरह हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार, ट्यूसडे, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर के 2:30 तक बनी रहेगी, वह उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात्रि 10:49 तक रहेगा, वह उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग शाम के 5:36 तक बना रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। बालवकरण दोपहर के 2:30 तक प्रभावकारी रहेगा, तत्पश्चात कौलवकरण प्रारंभ होगा। चंद्रमा का संचार सिंह राशि में रहेगा। गंडमूल का योग रात्रि 10:49 तक रहेगा, उसके बाद गंडमूल का योग खत्म हो जाएगा, पंच का योग नहीं बनता। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 3 से लेकर के शाम के 4:27 तक रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 9:13 से लेकर के सुबह के 10:39 तक रहेगा। शुभ घटियों की बात करें, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करें, तो दोपहर के सुबह के 10:54 से लेकर दोपहर के 1:38 तक का समय, दोपहर के 2:05 से लेकर शाम के 4:21 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम व कल्याणकारी साबित होगा। एरियंस मेष राशि वालों के लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, जिन लोगों का जन्म 13 अक्टूबर किसी भी वर्ष की 13 अक्टूबर को हुआ हो, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Wish you all very very happy birthday and many many happy returns of the day. God bless you all. प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका दिन ही नहीं, साल ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी आपके मंगलमय हो। आज मंगलवार का दिन है। मंगल हमारा मस्तक भी है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन का स्वामी भी है, सज्जन भी है, हमारा हाथ भी है, हमारी आम भी है, हमारा शोल्डर, हमारा कंधा भी है। हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला मंगल वॉरियर भी है, मंगल पुलिस है, मंगल टेरर है। तो जब मंगल को हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं, ओम नमो श्री हनुमते नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सैव भौमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मंगल बैलेंस होता है। और मंगल से संबंधित चीजों का दान देना, गुड़ का दान देना, तांबे के बर्तन का दान देना, किसी हम धर्मस्थल में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, इससे प्रभु की कृपा में बढ़ोतरी होती है। आपका मंगल अगर पहले ही बलवान है तो बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा, कई गलती आपसे नहीं होने देगा। अगर कमजोर है तो पावरफुल हो जाएगा, उसके नाम में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं जो हम प्रेयर्स करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। जो हम दान पुण्य करते हैं, मन से करना चाहिए। अपनी कहते हैं बहुत किस्म की जो जो चीजें होती है ना, कई चीजें क्या होता है, आपका मन करता है मगर आपके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, या आपके पास ऐसे ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहां आप कर नहीं सकते हैं मगर करना चाहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा प्रैक्टिकली अगर नहीं भी कर सकते हैं तो मन से कीजिए, वचन से कीजिएगा, प्रभु उसको भी स्वीकार करेंगे। अब आज के दिन
रोटी के अंदर गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। ओम नमो श्री भौमय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और साथ में आज गायत्री मंत्र की उपासना करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जो है गाय को खिलाएंगे, दिन को चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस मेष राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। समय क्या कहता है, सेहत को सुधारने के तरीके बहुत अच्छे से काम आने लगेंगे, फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे, पूंजी निवेश के साधन भी खुलेंगे और साथ में पैसे के आगे बढ़ाने के तरीके भी आपको आएंगे। कोई दोस्त मित्र अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, कुछ चीज रख के भूल गए तो चीज मिल जाएगी। शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में आपके किसी दोस्त मित्र या प्रेमी का अच्छा हाथ रहेगा। आज के दिन कई लोगों के लिए प्रेम के रिश्तों में सुधार या नई शुरुआत भी हो सकती है। आपको क्या करना होगा, पीले लड्डू बूंदी वाले, बेसन वाले नहीं, बूंदी वाले हो या मोतीचूर के हो, पीले लड्डू लीजिए, पीले फल लीजिए, पीले फूल लीजिए, प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। क्वांटिटी यथाश्रद्धे। अब बात करेंगे टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है, इन फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, रिश्ते रोमांटिक मामले हो या पारिवारिक मामले हो खुशियों में इजाफा करेंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, यात्रा का आनंद आएगा। आप परिवार के साथ मिलकर करें, किसी दोस्त मित्र के साथ मिलकर के करें, आनंद ही साबित होगी। भूमि से संबंधित कोई डिसीजन होने की संभावना बनती है। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना होगा और अपने काम में एक्टिव एंड अटेंटिव बन के रहना होगा। नो डाउट मातृपक्ष से बहुत अच्छी खबर मिलेगी, किसी लग्जूरियस आइटम पे, फर्नीचर पे, गाड़ी पे या किसी और अच्छी चीज पे आज आप खर्चा भी कर सकते हैं। आज के दिन का उपाय आपको क्या करना होगा कि शनि चालीसा या शनि कवच का पाठ कीजिए। अगर साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। और भगवान जी के चरणों में ड्राई फ्रूट और मिठाई लेकर के चढ़ा करके गरीबों में बांट दीजिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस मिथुन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है, मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, परिवार का कोई सदस्य विशेष खुशी का कारण बनेगा, यात्रा छोटी या लंबी आपके लिए गेनफुल स्थिति पैदा करने वाली होगी, भूमि से संबंधित कामों में लाभ होगा, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें और अपने काम में खुद एक्टिव एंड अटेंटिव अप्रोच बना के रखें। आज किसी भी कोई गरीब औरत को लाल रंग का कपड़ा और कॉस्मेटिक्स या कुछ श्रृंगार का सामान देना कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस कर्क राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन होगी, काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा और यात्रा के लिहाज से भी समय बढ़िया रहेगा, बाकी चीजें रहेंगी मिले जुले प्रभाव की। आज खाने पीने वाली चीजों की तरफ, तड़क भड़क वाली चीजों की तरफ भी आपका ध्यान दौड़ेगा, एनर्जेटिक अप्रोच भी बनी रहेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। कोई किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, कोर्ट से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, मसला चल रहा था, तो वो भी चीजें फेवरेबल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा, ओम नमः श्री महेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और शिवलिंग पे जलाभिषेक करके
पांच फल पांच फूल चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे लियो सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है, काम व पैसे को लेकर हौसले रहेंगे बुलंद, सुलझे हुए तरीके से खर्चे करेंगे, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे और शाम आपके सारे दिन की थकावट को दूर कर देगी। किसी के साथ संबंधों में खराबी चल रही थी तो संबंधों के अंदर सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। किसी के कोई साथ कोई ऐसी उलझनबाजी चल रही थी, उलझनबाजी दूर हो सकती है, मगर आपकी अपनी हेल्थ तवज्जो मांगेगी और जो रिश्ते हैं भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों, प्रॉपर हैंडलिंग एंड नर्चरिंग मांगेंगे। आज के दिन तीन तांबे के सुराख वाले पैसे लीजिए, एक अपनी पॉकेट में रखिए, दो नदी नहर में बहा दीजिए, अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज सातवां टर्न करके। अब बात करेंगे वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। भले ही सेहत की थोड़ी सी नासाजी, ईएनटी ट्रबल, बैकएक, नेकएक या कुछ और चीजें छोटा छोटा बॉदर कर सकती हैं, बट ऑल मैनेजेबल। पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लक किसी चीज के लिए और जाएंगे। आपकी वाणी, आपकी मधुरता, आपका अंदाज काम में अंदर आगे बढ़ने के लिए आपके लिए मदद करेगा। लोग आपसे इंप्रेस होंगे, कई ऐसे काम कर डालेंगे, ऐसे काम हो जाएंगे जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। शाम भी अच्छी बीतेगी आपकी और भूमि से संबंधित भी कोई अच्छा डिसीजन हो सकता है। घर परिवार के लोगों का साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आज किसी भी गरीब भी हो, जिसको आंखों से कम दिखता हो या अंधा हो, किसी को कोई मेडिसिन लेकर के दे दें आंखों की और साथ में कोई भोजन की व्यवस्था कर दें, बहुत ही फायदेमंद हो। अब बात करेंगे लिब्रंस तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। फिजिकल पार्ट आपका सुधारने की जो कोशिशें हैं कामयाबी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। आप नई नई टेक्निक्स, कुछ सप्लीमेंट ऐसा शुरू कर देंगे, कोई एक्टिविटी ऐसी शुरू कर देंगे और कुछ ऐसे लोगों का संग आप पाल लेंगे जो मूड स्विंग्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नेगेटिविटी से आज अपने आप को दूर दौड़ाएंगे। यस, काम को लेकर के बड़ी अच्छी प्रपोजल्स मिल सकती हैं, लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आ सकते हैं या कहीं से आपको कॉल आ सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। So, यानी कि एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जुटेंगे, पुराने कामों में आपको सफलता के योग रहेंगे, ऑर्गेनाइज यात्रा का आनंद आएगा, भूमि से संबंधित कामों में होगा लाभ। स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय 100 बार सोच करके फिर विचार करके फैसला लें। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे। अपने समय का पूरा लाभ लेके चलने के लिए आपको क्या करना होगा, दो चीजें। 11 थैली दूध की भगवान जी के चरणों में टच करके गरीबों में बांट दीजिए और बंद गोभी के 4 टुकड़े करके एक मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके गाय को खिला दीजिए। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। द्वितीय स्थान दूसरे घर में, दूसरा घर होता हमारी वाणी का, मंदिर का, खान पान का, हमारे विजन का, तो आपकी जो फास्ट साइटेड अप्रोच है वो बहुत बढ़ेगी। अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, किसी की मदद करने की तरफ आपका ध्यान जाएगा, एनर्जेटिक अप्रोच बनी रहेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, कोई पोलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों से या फिर कोई पावरफुल लोगों से
आज आपकी मुलाकात के योग भी हो सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है, कोई आपको अच्छी राय या मदद दे सकता है। पार्टनरशिप के कामों में ध्यान रख के चलना होगा एंड गुड फेथ पे कोई पैसा किसी को उधार देना या इन्वेस्टमेंट करनी आपके कल्याण हित में नहीं होगी। आज के दिन आपको क्या करना होगा, सूर्य चालीसा सूर्य कवच का पाठ करना होगा और हनुमान जी के चरणों में ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स दोनों चढ़ाने आपके लिए कल्याण वर्धक साबित होंगे। क्वांटिटी यथाशक्ति। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल। दिन के शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, दिन के समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। मान सम्मान यश के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, सेहत के अंदर भी सुधार होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे, वादों विवादों से मुक्ति भी मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे एंड प्रेमी युगलों के लिए लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। बस कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं किसी रिश्ते को लेकर, किसी रिश्तेदार को लेकर के कुछ मन की बेचैनी भी बढ़ सकती है। वाहन किसी को देने से परहेज करें और खुद ड्राइविंग का ध्यान करें और साथ में ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रख करके चलें। आज के दिन आपको क्या करना होगा, चार रोटियां लीजिए, दो बंद गोभी के पत्ते लीजिए, 50 ग्राम गुड़ लीजिए, एक लड्डू लीजिए, गाय को खिला दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए आज का राशिफल। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। फिजिकली मेंटली चीजें बहुत सुधरेंगी, प्रोफेशनल ग्राफ आपका इंप्रूव करेगा, सरकार में रुके हुए कामों में करवाने में आपको आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ेगा। लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा, बाकी चीजें मिले जुले प्रभाव की रहेंगी। खर्चों पर रखना होगा नियंत्रण, इरादों की मजबूती, पराक्रम के अंदर बढ़ोतरी, फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, मगर अकस्मात कोई चीज हो सकती है, ऑल ऑफ सडन कोई चीज बहुत अच्छी जिसकी उम्मीद ना हो, कोई ऐसी खराब चीज जो जिसकी उम्मीद ना हो, तो उस बात के लिए थोड़ा सा एक्टिव एंड अटेंटिव अप्रोच बना के रखें ताकि अनजाने में कोई बंदा बेवकूफ बना करके आपके इन्वेस्टमेंट ना करवा दे या कोई गलती आपसे ना करवा दे, कोई डॉक्यूमेंट गलती से साइन ना करवा ले, वहां ध्यान आपको स्वयं देना होगा। आज के दिन 11 लोगों को आप लड्डू बांट दीजिएगा, कोई भी मिठाई बांट दीजिएगा, जुड़ी नहीं 11 को बांटना है, भले ही चार लड्डू लेके थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके बांट दीजिएगा, दो लड्डू लेके उसमें बांट दीजिएगा, जुड़ी नहीं है साबित उनको कंप्लीट ही देना है। जैसे आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो या आपकी समर्था हो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। बात करेंगे एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी, रिश्तों की संपन्नता आपके चेहरे को निखार को बढ़ाएगी, किसी परिवार के मेंबर को लेकर, किसी दोस्त को लेकर, किसी प्रेमी को लेकर के मन की खुशी बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लाभकारी होंगे, कोई चीज रख के भूल गए थे वो चीज आपको मिल जाएगी। घर में कोई अच्छे मेहमान आ सकते हैं, किसी मेहमान के आने से घर के अंदर कोई खुशी की मात्रा बढ़ सकती है, मगर ध्यान किस बात का रखना होगा, एक अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी और प्रोफेशनली भी चीजों को बेटर करने के लिए प्रयास आपके प्रॉपर बना के रखने होंगे। कुछ लोग आपका वर्क प्लेस में अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के दिन जिनको भी आप मानते हैं अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें, पवित्र जल कपड़ों पर स्प्रे करें, दो चम्मच साबुत मूंग के स्प्राउटेड ले लें तो बहुत अच्छी बात है, या उनको स्प्राउटेड कर लीजिएगा, करके खिला दीजिएगा बर्ड्स को। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। समय क्या कहता है,
इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके सुझाव आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए यूजफुल गेनफुल साबित होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, प्रेजेंटेशन की स्किल्स इंप्रूव होंगी, इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, रिश्तों की तरफ से चैन व सुकून बढ़ेगा और कोई बहुत अच्छा डिसीजन आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा पेशेंस से चले, कोई इन्वेस्टमेंट करके रखना है तो आपको बड़ी यूजफुल साबित हो जाएगी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, गेनफुल स्थितियां देने वाली हो जाएगी। अगर आपने कोई उसको अपने लिए लेके रखना है, बड़ी अच्छी डील आज आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एंजाइटी पे कंट्रोल करना होगा, एंजाइटी पे कंट्रोल करके चलना होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः श्री मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, ओम नमः श्री सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और गुड़ गरीबों में बांट दीजिएगा। जशकुल, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग जिसके भीतर हमने चर्चा करी दैनिक राशिफल की। कैसा रहेगा आज का दिन, आज के सितारे आपके लिए क्या कहते हैं, आज का राशिफल आपको कैसे प्रभावित करेगा, क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कौन सा उपाय आपके जीवन में बहुत बढ़िया बदलाव लेके आ सकता है, भाग्य उदय कर सकता है, कौन सा उपाय करने से आप परेशानियों से काफी हद तक बच सकते हैं, तो सारे उपाय स्पिरिचुअल होते हैं, सात्विक होते हैं, जो किसी का नुकसान करने वाले नहीं होते और आपका स्वयं का फायदा बहुत अच्छा करने वाले होते हैं, आप देने वाले को भी फायदा और लेने वाले को भी फायदा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, हमारी आप YouTube पे जाएंगे प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी, जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों, ढेर सारी मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लग्न है, कौन सी मेरी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता, तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं, भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना है, करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस है जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अब मुझे जानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका शर्मा को दीजिएगा इजाजत, नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।